So, recording start है. So, good evening everyone. This is RK Mehto. Welcome to the RK Education Platform. ये RK 0057 batch है. ये night का preposition का आज हमारा day one है. आज की तारीख 22 June 2021. ठीक है. तो बेटा आज हम preposition को बिल्कुल beginning से पढ़ने जा रहे हैं. तो आप में से जो भी ऐसा प्राणी है जिनको preposition के chapter से डर लगता था, बहुत सारे words आते ऐसे होते हैं at, in, on, into, खूब सारे ऐसे ऐसे words होते हैं जो आज तक मतलब परेशान करते हैं. पूरा बचपन बीत गया, पूरी जवानी बीत गई, चल रही है, लेकिन ये प्रीपोजिशन ने पूरे पूरे जीवन की झंड फेल दी. तो आज की क्लास के बाद मतलब आज ही नहीं खत्म हो जाएगा, एक दो क्लास तो लगेगी ही इसके अंदर, तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा. तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट करते हैं. लिखिए हेडिंग डाल करके, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन. बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. तो जो बच्चा आज की क्लास को मिस कर देगा तो समझ लीजिए कि या नुकसान है टंटन गोपाल, बाकी सब पर तो नहीं कहा गया है. ठीक है. तो टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन. अब यहाँ पे जब हम वर्ड को पढ़ते हैं तोड़ करके, जैसे कंजंक्शन को पढ़ा था तोड़ करके, इसको भी पढ़ के अगर हम देखें तो क्या वर्ड निकलता है, प्री प्लस पोजिशन. अब यहाँ पे प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है जगह यानी कि स्थान. ठीक है. यहाँ पे मेनली हम देखें मुद्दा तो ये बनता है कि सर पोजीशन दिखाने वाला वर्ड है, लेकिन मैंने आपको पहले ही एक बात बोली थी कि इंग्लिश में आपको कंफ्यूज करने वाली बातें पहले ज्यादा दिखाई जाती है, जैसे एडवर्ब कि एड प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाला. लेकिन असली बात क्या थी कि वो वर्ब ही नहीं, वो सबको क्वालिफाई करता है, राइट. कंजंक्शन यानी कि कनेक्ट करना, लेकिन उसके अलावा भी उसके और भी काम निकले थे, लेकिन सारी बात सिखा चुका हूँ मैं आपको. उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन में सिर्फ अगर हम पोजिशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अधूरी अधूरी जानकारी होती है. ठीक है. मैं ऐसी प्रूफ कर देता हूँ. जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि उसने टेबल पे पेन रखा, राइट, तो यहाँ पे हमने टेबल के लिए कॉमन नेम ऑन लगा दिया, हमने ऑन द टेबल, राइट, प्लेस दिखा दिया, स्थान दिखा दिया. लेकिन अब टाइम के लिए हम यूज कर ले ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, तो ऐसे में तो कोई जगह वाली तो बात है ही नहीं, तो टाइम मेंशन कर रहा है, टाइम शो करने वाली बात है, तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो गई. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उसके डेफिनेशन के हिसाब से मत चलना. प्री प्लस पोजीशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्थान दिखाएगा, ऐसा ही नहीं है, इसके आगे की जानकारी आप लेते हैं. देखो लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉइंट नंबर वन लिखते जाइएगा. पॉइंट नंबर वन, पुत्रों और पुत्रियों, प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई प्रोनाउन आया, तो हमेशा याद रखो कौन सा प्रोनाउन आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस. पॉइंट नंबर टू, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आया, तो हमेशा किस में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा, एक्सेप्ट, नोट करके लिख लेना, एक वर्ड होता है टू, ये टू एक वर्ड होता है प्रीपोजिशन, इसमें आईएनजी नहीं भी आता कभी कभार. आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट पे. अगर किसी सेंटेंस के अंदर, ये तगड़ा पॉइंट है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आ गया तो उस सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना. ये सबसे मजेदार पॉइंट लगा होगा आपको. अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके अंदर प्रीपोजिशन नहीं लगाना. ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं. और अगला पॉइंट लिखो कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब. है ना मजेदार पॉइंट्स, जल्दी से नोट कर लो एकदम फटाफट से. अगर लिखने का काम हो जाए तो ठेंगा दिखा देना, तो मैं इन सारे के सारे रूल को अभी एक्सप्लेन भी करूंगा और इनको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा.
हमारा ठेंगा गोरा हो गया सोनिया, राम नरेश विकास हो गया, किरण हो गया, चाहूं मैं या ना डन, बाकी भी जल्दी करो, सोनम सोनी, राखी ठाकुर, रश्मि, बाबूराम, जतिन, लोलिता, डन डन डन, शाबाश, रोनिका माकेश, मोनिका राकेश, सोनिया और रिद्धि। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव है? मैं फिर समझा देता हूँ, चलो मैं फिर समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम आराम से, पेशेंस के साथ पढ़ो, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो आज आप प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हो, इस तरीके का प्रीपोजिशन आपने शायद ही कभी पढ़ा हो, समझिएगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, किसी सेंटेंस के अंदर कभी कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं ना, एक प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव केस और एक प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस अलग होता है और ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। राजकुमार प्रजापति, बेटा राजकुमार प्रजापति मैं आपको पहचान नहीं पाया, कौन है आप? मैं एक बार मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा आप क्लास खत्म होने के बाद। आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई। चलो कोई बात नहीं, एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा। हाँ जी, अब देखो मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन आया तो हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा। प्रीपोजिशन के बाद कभी कोई वर्ब आया तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, एक्सेप्ट टू, टू को छोड़ करके। टू के साथ आईएनजी आता है और नहीं भी आता है, ठीक है, जो मैं आपको आगे समझा दूंगा। अच्छा आगे बढ़ो, प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में आ गया तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रीपोजिशन की कोई जरूरत है ही नहीं। और आखिरी पॉइंट ये है कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रीनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। अब ये तो बात हो गई रटने, अब आ जाओ जरा इसके लॉजिक पे, कॉन्सेप्ट पे कि ऐसा कैसे मैंने बोल दिया। स्टार्ट करें फिर, इतनी बातें क्लियर है, एक बार ठेंगा दिखा दो। किसी को कोई डाउट है हाथों हाथ पूछना भैया, मेरे को वो चीज फिर अच्छी नहीं लगती कि आगे बढ़ गया फिर बाबा पीछे वाला समझा दो फिर से। हाँ जी चलो आगे चलते हैं, ये थे हमारे कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आप चुटकियों में कुछ एग्जाम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही सकते हो, राइट। चलो देखो, अब यहाँ से हमारा प्रश्न उठता है कि वेयर टू यूज प्रीपोजिशन, वेयर टू यूज प्रीपोजिशन, Where to use preposition? देखो बेटा, English में हमारे पास commonly चार तरीके के structure होते हैं sentence को बनाने के, चार तरीके के। पहला होता है subject, verb and object। दूसरा तरीका होता है subject और verb। तीसरा तरीका होता है verb, object। और चौथा और आखिरी तरीका होता है subject, verb और adverb। ठीक है, इंग्लिश में हमारे पास एक्शन वर्ब वाला, अगर एक्टिविटी वाला वर्ब आ रहा है तो, है ना, तो चार ही तरीके हैं कि हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। ये चार तरीके होते हैं जिससे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और मजेदार बात क्या है कि अगर कभी भी इन चारों में से एक भी नियम फॉलो हो गया तो उस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। था ना मजेदार बात? फिर से समझाता हूं, देखो मैंने आपको क्या बात बोली कि हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ ये चार ही रास्ते होते हैं कि हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और सबसे खतरनाक और मजेदार बात यह कि अगर कभी भी इन चारों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो हो गया तो उस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। अब यहां बात और परेशान करेगी ये चीज आपको, अरे गुरु जी क्या फंसा दिया आपने, तो मतलब इंग्लिश में चार ही तरीके हैं सेंटेंस को बनाने के, और मैंने ऊपर से ये भी और आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी कि अगर इन चारों में से एक भी फॉलो हो गया तो प्रीपोजिशन मत लगाओ, अरे तो कहाँ लगाए, है ना सरदर्दी वाली बात। चलो बिना एग्जाम्पल के ये समझ में नहीं आएगा, तो चलिए अब थोड़ा सा हाथ हाथ को लगाओ काम पे, लिखो सौम्या sang a song,
concur with, admired her. Agla, the lion roars. Agla, the old man died. Next, open the door. Next, call your father. Next, he came yesterday. Next, she walked carefully. Next, she came him, or akhri, he ran them. अब बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप अच्छे अच्छे शिक्षकों अच्छे अच्छे बच्चों की तरह किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब मत करो, एक अच्छे भक्तों की तरह, और चुपचाप से सारे सेंटेंस को लिख लो, चाहे सेंटेंस आपको गलत लगे चाहे सही लगे, कोई सवाल जवाब नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से अंधभक्त बनो और फटाफट सारे सेंटेंस को लिख के दिखाओ। हो जाए तो दिखा दो ठेंगा। बाबूराम हो गया, राखी ठाकुर, दीपिका, रम्या, अजी प्रजापति, लेडी प्रजापति कहाँ है भैया? बस ये भी नहीं दिख रही है, शीनू कहाँ है? बस ना शीनू दिख रही है ना शीनू की बहन दिख रही है, दोनों में शायद कुछ भी नहीं दिख, दोनों गायब है। चलो हो गया, सोनिया सोनिया सोनिया, अच्छा जी, डन डन डन, ओके मालिक। तो शुरुआत करें फिर, अब समझने पे फोकस कीजिए, अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ है तो अब थोड़ा रुक जाना, अब पहले समझने पे ध्यान दीजिएगा। देखो फर्स्ट सेंटेंस है, सौम्या सैंग अ सॉन्ग। देखो सौम्या सब्जेक्ट है, सेंग हमारा वर्ब है, और अ सॉन्ग जो है ये वर्ड का आंसर दे रहा है कि इसने क्या गाया, सॉन्ग गाया। और आप सबको ये बात मालूम होगी कि जो वर्ड और वुम का आंसर करता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सीक्वेंस पूरा है, सेंटेंस की मीनिंग आ रही है, तो नो प्रीपोजिशन, सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है। अगर जबरदस्ती प्रीपोजिशन लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? देखो सौम्या सब्जेक्ट है, सेंग वर्ब है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो, गर्वित सब्जेक्ट है, एडमायर वर्ब है, और हर ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मीनिंग पूरी है, यस नो प्रीपोजिशन, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना। आगे द लायन सब्जेक्ट है, रॉर वर्ब है, सेकंड वाला देखो, सब्जेक्ट और वर्ब, सीक्वेंस पूरा है, यस मीनिंग पूरी है, यस नो प्रीपोजिशन। आगे द ओल्ड मैन सब्जेक्ट, डाइड वर्ब, सीक्वेंस पूरा है, यस मीनिंग पूरी है, यस नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो, ओपन द डोर, ओपन वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, यस मीनिंग पूरी है, यस नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो, कॉल योर फादर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो, ही केम यस्टरडे, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, और यस्टरडे क्या है बच्चों, यस्टरडे वैन का आंसर देना ना, कब आया, यस्टरडे आया, तो आपको पता है वर्ड और वर्ब छोड़ के सारे एडवर्ब होते हैं, तो यहाँ देखो ये क्या हमारा निकला, एडवर्ब, यानी आखिरी वाला, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, यस नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट वॉक हमारा वर्ब है, केयरफुली एडवर्ब है, हाउ का आंसर दे रहा है, सीक्वेंस पूरा है, यस मीनिंग पूरी है, यस नो प्रीपोजिशन। इतनी बात क्लियर है, दिखा दो ठेंगा जल्दी से, अंगूठा काट के मैं यहाँ रख दूंगा।
आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ। शी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है और हिम पे आ जाओ। अब ये बताओ, क्या ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है? जी नहीं, क्योंकि मीनिंग पूरी नहीं आ रही है। क्या बेटा ये बताओ, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब तो फैन वैन चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। देखो तो शी केम, शी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है और हिम जो वर्ड है ये, अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा क्या? जी नहीं, ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मीनिंग नहीं आ रही है। क्या ये एडवर्ब होगा? जी नहीं, एडवर्ब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीनिंग पूरी नहीं आ रही है। अजीब सही है शी के में। अब ये जो हिम है, ना ही ये ऑब्जेक्ट बना, ना ही ये एडवर्ब बना, तो भैया ग्रामर से कुछ तो होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब नहीं, कुछ तो होगा। तो ये होता है प्रोनाउन। क्या होता है? ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसका सीक्वेंस ब्रेक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई? यहाँ पे हमारे पास इसका सीक्वेंस क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे जब इसका सीक्वेंस ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब अब जा करके यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन अब आएगा। अरे एक मिनट, आवाज ब्रेक हो रही क्या? अब बताओ आवाज आ रही है अब? ठीक, एक मिनट मैं आपका गला छोड़ देता हूँ। अब आवाज आ रही है? ओके सर, पहले से। यस सर, यस। ये मेरे को मैसेज लिख रहे हैं राम नरेश प्रसाद, सर आपकी आवाज जरा जरा ब्रेक हो रही है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा पता नहीं फलाना टिपका। चलो ओके, आवाज ठीक है ना? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके बेटा, ये कौन जेली फिश? नहीं नहीं जेटली। हाँ देखो बेटा, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास वन से लेके एट सेंटेंस तक जो था वो पूरा का पूरा सीक्वेंस यूज हो रहा था। नाइन्थ वाले में क्या हुआ कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट और एडवर्ब तो बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस ब्रेक हो गया। अब जब इसका सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो अब यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन अब आएगा, तो बताओ कौन सा आएगा? बताओ पुत्रो, बता दे रहे क्या बोल रहे हो? अपनी बता रहे गुरु जी, क्या कर लोगे? अच्छा जी सर, टू। हाँ क्या आएगा? टू आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि सुनने में सूट कर रहा है ना? नहीं सर, विद आएगा था। हाँ विद भी आ सकता है, सुनने में सूट कर रहा है। बोलो यस। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, फटे दूध की चाय बना लो। देखो अब यहाँ पे हमारे पास टू विद, अब ऐसे पढ़ के देखना, शी केम विद हिम, शी केम विदाउट हिम, she came before him, after him, due to him, यानी कि वो उसके साथ आई, वो उसके बाद आई, वो उसके पीछे पीछे आई, उसके उसके दौड़ के आए, उसके थप्पड़ मार के आए, उसके कारण आई, हाँ उसके बिना आई, उससे पहले आए, उसके बाद आए, कुछ भी पॉसिबल है, before him हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा प्रीपोजिशन का सिंपल सा रूल है कि अगर प्रीपोजिशन नहीं आया तो कोई नहीं आएगा, और अगर आ सकता है तो सारे पॉसिबल है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ? हाँ या ना? बोलो यस। ठीक है, प्रीपोजिशन का रूल समझ में आया कि भैया प्रीपोजिशन का सीधा सीधा कहना है, अगर तुमने जबरदस्ती करी मेरे साथ तो हम सेंटेंस को गलत बना देंगे। समझ गए? अब जैसे छोटा बच्चा होता है, उससे प्यार से मांगो बेटा दे देना थोड़ा सा चॉकलेट, तो वो प्यार से मांगो तो दे देगा, लेकिन वही जबरदस्ती करोगे तो क्या करेगा? फेंक भी देगा, और देगा नहीं और फेंक भी देगा, रोएगा अलग, मम्मी से कुटवाएगा तुम्हें, और फिर तुम्हारे से पैसे छीन करके फिर मंगवाएगा, खाएगा पूरा कुल मिला। तो वही चीज है कि भैया जबरदस्ती नहीं कर सकते प्रीपोजिशन के साथ। समझ में आई मेरी बात? बोलो यस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। शी रेन देम, यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा, शी सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है, देम कोई मीनिंग ही नहीं आ रही, इसका मतलब अब कोई प्रीपोजिशन आओगा। इज दैट क्लियर? डन डन डन, समझ में आया? तो फिलहाल के लिए ये दो सेंटेंस हमारे हो गए कनेक्ट। क्लियर है? एक बार ठेंगा दिखा दो या बोल के बता दो, किसी का कोई यहाँ तक डाउट परेशानी दिक्कत नहीं ना? मजा आ गया? नो सर, ही रेन देम ऐसा ट्रेन वाला जो है, शी रेन देम, इसका जरा क्लियर करके बताएं। देखो ही रेन देम तो पॉसिबल है नहीं कुछ भी, ये ही सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है, अब देम ना ही ऑब्जेक्ट होगा ना ही एडवर्ब होगा, तो यानी कि ये प्रोनाउन है देम। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस ब्रेक हो गया ना, ब्रेक हुआ, इसका मतलब अब यहाँ प्रीपोजिशन कोई ना कोई आएगा। जैसे ही रेन बिफोर देम, वो उनसे पहले भागा, वो उनके बाद में भागा, वो उनके साथ में भागा, है ना, उसके कारण भागा, मेरी बात क्लियर है, वो उसकी और भागा, समझे? समझे। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे
अब इस 9 और 10 को अब हम सही करते हैं. जैसे हमने कहा कि शी केम, ये शी हो गया सब्जेक्ट, केम हो गया वर्ब, ठीक है. और यहाँ हमने लिखा था हिम, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे हमने कहा कि बिना प्रीपोजिशन का तो बनेगा नहीं, तो मैंने मान लिया फिलहाल के लिए विद. तो विद क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन हो गया. अच्छा, और हिम क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन. सेंटेंस तैयार, बोलो यस. अगर मैं हिम की जगह अगर कोई नाउन लगाना चाहूं, जैसे हमने कहा गर्ल, ठीक है, यानी कि हमने प्रोनाउन की जगह नाउन लगा दिया, तो भी तो सेंटेंस सही है, हाँ कि ना? शी केम विद गर्ल, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास ये भी मीनिंग आ सकती है. अब बेटा ध्यान से सुनिएगा जो मैं अगली बात बताने वाला हूँ. अगर मैं इन दोनों को हटा दूं और इसकी जगह लिखूं यस्टरडे, तो पढ़ के देखना एक बार, बन रहा है कि नहीं? हाँ सर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ये हो गया एडवर्ब. अब यहाँ पे शी केम यस्टरडे बन सकता है, और यस्टरडे आप सबको पता है क्या होता है? एडवर्ब. यानी ये अकेला वर्ड इन दोनों की बराबरी कर रहा है, हाँ या ना? तो अगर हम विद को अकेला पढ़ें तो प्रीपोजिशन है, हिम और गर्वित को पढ़ें तो प्रोनाउन या नाउन है. अगर इन दोनों को एक साथ मैं पढ़ूं तो क्या एडवर्ब नहीं पढ़ सकते? समझे मेरी बात को? क्योंकि ये अकेला इन दोनों की बराबरी कर रहा है ना. तो वही चीज तो हमने सिखाई पीछे आपको कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. नाउन या प्रोनाउन इक्वल्स एडवर्ब. हाँ पुत्री बोलो. एक बार दोबारा से एक्सप्लेन. सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. ओके शाबाश. चलो देखो देखो she ran before Ankit या him, ठीक है. before preposition बेटा mute कर ले, ये ऐसा मत करो यार, तुम लोग कमाल करते हो. हाँ जी mute कर लो. फिर राम नरेश जी क्या कहा, उसका पैसा लोगे का म्यूट करने का? जी सर. म्यूट अब कह रहे जी सर, अब म्यूट करो, हल्की हल्की सी आवाज आती है उससे डिस्टरबेंस होता है. कह रहे जी सर. वाह भाई वाह, हो गए म्यूट. हाँ आप ठीक है, आगे चलते हैं. देखो तो शी रेन बिफोर अंकित या हिम. अब देखो बेटा अगर मैं इन दोनों को हटा दूं यहाँ से और सीधा ऐसे कहूँ शी रेन फास्ट, तो पढ़ के देखो, ठीक है. ये जो फास्ट वाला वर्ड हमारे पास आ रहा है, यार सबको मालूम है कि एडवर्ब होता है, ठीक है. तो ये फास्ट अकेला इन दोनों को रिप्लेस कर पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है ना. तो अगर मैं इसको फास्ट को एडवर्ब पढ़ रहा हूँ तो इन दोनों को मिला करके हम एडवर्ब नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं. यानी कि यही तो चीज बताई मैंने, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इक्वल्स एडवर्ब. तो अगर मैं कहूँ शी रेन बिफोर अंकित या हिम या जो भी एक्सपेक्ट, तो अगर मैं पूछूं एडवर्ब कहाँ है तो बता सकते हो सर? मेरा मेरा चुटकू सा क्लियर हुआ? बोलो यस. फिंगर दिखा दो, बोलो यस. सर शी रेन फास्टर विद हिम. सॉरी का दोबारा बोलो. मैंने कहा सर शी रेन फास्टर. हाँ शी रेन फास्टर. She ran faster. तो इस जगह पर मैं लिखता हूँ, देखिए गलत कर देगा. तो ये तो comparative degree हो जाएगा. मतलब मैं मतलब कि she ran faster. दूसरी दुनिया में घुस गए. अरे मेरे भाई, fast जो होता है ये adjective भी होता है और adverb भी होता है. आप faster जो है वो adjective वाला लगा दिए. अब faster लगा दिए तो फिर आगे बताना पड़ेगा she ran faster than faster than संगीता, अच्छा लक्ष्य, कुछ तो बताना पड़ेगा ना. आप दोनों मीनिंग थोड़ी छोड़ सकते हैं किसी चीज. फास्ट मैंने आप एडवर्ब की क्लास नहीं दिए लग रहा है, मैंने सिखाया था कि फास्ट दो तरीके से काम करता है अंग्रेजी. चलो क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस. सर प्रीपोजिशन के बाद इट मींस नाउन और प्रोनाउन में से कोई ना एक चीज आनी कंपलसरी है. भाई नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी प्रीपोजिशन. और नहीं आया तो एक शॉर्टकट में बताऊं, एक छोटी सी बात बताता हूं. अरे सुन लो, मारे चश्मा निकाल के सुनो. प्रीपोजिशन देखो इंग्लिश के अंदर ना दो ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं. इंग्लिश के अंदर दो ऐसे शब्द होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते हैं,
ठीक है, पहला वर्ब वो भी कौन सा? ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, राइट। अच्छा, दो ऐसे चीज होती है जो इंग्लिश में अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती है, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन। याद रख, इंग्लिश में दो चीज ऐसी होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती ही मांगती, ठीक है, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन। एक पल को ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट ना भी लगाओगे ना तो भी चल सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन कभी भी बिना अपने ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता। प्रीपोजिशन के बाद कछु भी आ जाए वो नाउन या प्रोनाउन होता है बेटे। गांठ बांध लो, लिख लो, छाप लो, याद कर लो, या आखिरी में क्या बताते हो सौम्या, जल्दी बताओ। हाथ पे गुदवा लो, याद रहेगा। प्रीपोजिशन के बाद 1001% नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो आईएनजी लगा के दिखा देते हैं, हम तो आईएनजी लगाते हैं, ये लोग करके दिखा देते हैं। मुझे पता है बेटा, प्रीपोजिशन, रट लो इस बात को, प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आ ही नहीं सकता। प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन वाला ही ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। कैसे? देखो, अब मान लो हमने कहा कि शी रेन विथ हिम, शी रेन विद हिम, या कोई भी नाम मान लो, ठीक है, नाउन लगा लो, प्रोनाउन एक बात है। अब देखो यहाँ पे हमने जब इन दोनों को एक साथ पढ़ा तो एडवर्ब पढ़ा, राइट, लेकिन किंतु परंतु ये जो विथ था ये प्रीपोजिशन था, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है, पहले बताया ऑब्जेक्टिव केस आएगा तभी हिम आया ही तो आ नहीं सकता, जो भी आएगा वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना, इस प्रीपोजिशन का क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, समझे। एक दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट जिसको हम वर्बल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। और ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। अब आपका कहना ये भी हो सकता है, सर आपने तो बोल दिया कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आ जाए उसे नाउन या प्रोनाउन बोल दो, लेकिन अगर आईएनजी आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे बिफोर डूइंग एनीथिंग, यू शुड Ask your parents, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिफोर डूइंग मतलब कुछ भी करने से पहले अपने पेरेंट्स से जरूर पूछ लो, ये मीनिंग आ रही है इसकी, राइट। अब देखो प्रीपोजिशन हमारे पास ये आ गया, और मैंने आप पीछे बात बताई थी ना, प्रीपोजिशन के बाद मतलब वर्ब हमेशा आईएनजी में आता है, ये रहा, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। तो अगर मैं यहाँ डूइंग की जगह डू लिखता तो आप ऐसे समझ जाते कि सर ये तो कराता है, डू कैसे आ रहा है ना, सुनने में पता चल जाता है, राइट। अब आप कहोगे सर ये तो वर्ब है, आपने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, तो बेटा ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। कौन कौन समझ गया ये नाउन है, सिखाया हुआ है, किस किसने वर्ब की क्लास अटेंड करी है? सर जेरेंड वाला। ये देखो बेटा, शाबाश। कोई है आपके आस पास में? मोनिका, पिटाई कराओगे? अरे नहीं, पीठ ठुकवाना है। अरे क्या बात कर रहे, मैं तारीफ में बोल रहा हूँ भैया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा याद रखो ये जिरंड है, अगर जिसने वर्ब की क्लास अटेंड करी है वो समझ चुका होगा ये जिरंड क्या होता है, याद रखें। प्रीपोजिशन की मैंने पीछे एक बात बोली था, रटाई आपको, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी आता है, अब वो वर्ब कौन सा होता है, जिरंड, और जिरंड क्या होता है, नाउन होता है, आप सबको पता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। यस नो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुमने वर्क की क्लास में या तो गुठली मारी है, और या तो वर्क की क्लास में आपने तब आपका एडमिशन ले हुआ है, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि जिरण फिरण नाम की कोई कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं होता, ये मेरे मुंह से टंग स्लिप हो गया, अभी आप भूल जाओ जिरण फिरण को, बस इतना याद रखो कि आई एन जी जब प्रीपोजिशन के बाद आएगा ऐसे नाम बोलना है, टेंशन खत्म, है ना। इंग्लिश में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब वाला ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, ये बोला मैंने,
समझे। अब आपका क्वेश्चन ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यही सवाल हो सकता है मन में, बोलो यस। तुम्हारे बोलने से पहले समझ में आ जाता है हमको। सुनिए सौम्या पेंटेड द पिक्चर, एक सेंटेंस हमने ये दिया, ठीक है। एक और the birds are flying in the sky, ये दूसरा, right? अब ध्यान सुनना बिल्कुल कान खोल के चश्मा लगा के, यहाँ पे painted verb है और यहाँ पे flying verb है, right? अब यहाँ पे बेटा the picture जो है ये directly इसको answer कर रहा है किसी ना किसी चीज का, बोलो yes, what का कर रहा है ना। अरे हाँ बोला कि तुम्हारे हो आज, यस सर समझ गया सर, कर रहा है तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, वर्बल ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या कोई प्रीपोजिशन की जरूरत है? जी नहीं। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इनको हटा दूं, एक पल को मान लो इन नहीं लिखा, मान लो इन नहीं लिखा, तो क्या कोई मीनिंग आ रही है? द स्काई कुछ मीनिंग नहीं है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग द स्काई पॉसिबल ही नहीं है, समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे अभी क्या ये इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है? पॉसिबल, अरे मीनिंग ही नहीं आ रही तो ऑब्जेक्ट का हक बनेगा। तो अब हमको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया इन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगाते, भाई मीनिंग भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विद द स्काई, ऑन द, ऐसा नहीं किया, मीनिंग फुल होना चाहिए। अब हमने इन द स्काई लगा दिया। अब जो इन द स्काई है, अब इस पूरे को अगर हम देखें, बेटा म्यूट कर दो, ये सांस भी ले रहे ना उसकी भी कान में गड़गड़ाहट आती है। हाँ जी, जब आपको पूछना हो ना तो अनम्यूट किया करो, फ्लो बिगड़ जाता है पढ़ाने का। देखो अब देखो, इन द स्काई टोटल मिला करके, जैसे वो पूरा अकेला द पिक्चर व्हाट का आंसर कर रहा था और ये इन द स्काई वेयर का आंसर कर रहा है, हाँ या ना? ठीक है, वेयर का आंसर कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिखाया था कि नहीं? एडवर्ब सर, एडवर्ब, राइट। अच्छा, अब इसको और अंदर घुस करके देखें तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। द स्काई क्या है? नाउन है, ठीक है। तो अभी पीछे सिखाया कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, राइट। अच्छा, और अब अगर हम द स्काई को पूछें, सर सिर्फ द स्काई क्या है, तो बेटा वो किसके बाद आ रहा है? इनके बाद। तो यानी कि द स्काई जो है वो इनका, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आया? तो द स्काई फ्लाइंग से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना इनके फ्लाइंग वाले वर्ड द स्काई के साथ रिलेट नहीं कर सकता है ना। तो द स्काई इन वाला जो प्रीपोजिशन है उसके लिए ऑब्जेक्ट है, और इन द स्काई टोटल मिला करके फ्लाइंग के लिए एडवर्ब। अब समझ में आया? बोलो यस। अरे भैया जी, घंटे बजी दिमाग की, भाई नेटवर्क आ रहे हैं सबके? Yes, नेटवर्क आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सब ऊपर से जा रहा है, गुरुजी ज्यादा एडवांस हुई है, वो फलाना डिजिटल लेसन पे आदत रखा है, पूरे पूरे नेटवर्क आ रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्योंकि देखो मेरा मानना यह है कि पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि मतलब मौज आ जाए, बिल्कुल कतई है मौज करते, बिल्कुल वो वाली चीज। आप सुपर सर, आपका पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। क्या आपका अंदाज ही अलग है सर, सुपर है। अरे भैया तुम यार, सुपरस्टार हो आप, तुम ना मतलब झाड़ू भिगो के मत मारना मेरे को, नहीं भाई तुम इतना बड़ा चला गए। नहीं सर सीरियसली, सीरियसली बात है सर, मजाक नहीं बोला सर, बहुत मस्त पढ़ाता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, 50 रुपए पेटी में। हाँ जी बोलो सर। अगर सेंटेंस है आई एडवाइज हिम टू गो, तो इसमें हिम से पहले हम टू क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर टू नहीं, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ऐसे सवाल जवाब तो मजा आता है करने में। बेटा फिर से एक बार बोलो सर। आई एडवाइज हिम टू गो, सेंटेंस होता है ना एडवाइज हिम टू गो, तो हिम से पहले हम टू क्यों नहीं लगा रहे इसमें? आप बताते हैं, सुनिए देखो, अच्छा क्वेश्चन था। देखो इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि माउथ एक्टिविटी वाले वर्ब होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के चश्मा लगा के।
इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो माउथ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। माउथ एक्टिविटी मतलब जिसमें कि हमारे हाथ पैर नीचे अपने ऐसे मुंह चल रहा है, जैसे आस्क, टेल, टेल मतलब टेल, टोल्ड, टेलिंग सब बोल दिया मैंने। आस्क का मतलब है कि आस्क, आस्क्ड, आस्किंग सब आ गया, ठीक है। आस्क है, टेल है, एडवाइस है, सजेस्ट है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, समझ गया ना, बाकी अपने आप समझदार। मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ मुंह से बोलने वाली एक्टिविटीज है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रहा है? कहाँ गई कुतरी रे, किसने पूछा था ये आयुषी? क्लियर हो रहा है? बोलो ये सुनो तो सर, मतलब अरे पूरी मतलब, बात नहीं हुई, बस मैं देख रहा था जिंदा जिंदा हुआ नहीं। हाँ जी सर, जिंदा ही। अब देखो, तो आई एडवाइज हिम टू गो, तो जो एडवाइस था ये हमारे पास माउथ एक्टिविटी का एक ऐसा टर्म था बेटा, जो कि डायरेक्टली हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और अपने बाद सीधा ऑब्जेक्ट मांगता है, ठीक है। सीधा ऑब्जेक्ट मांग लिया तो इसको किसी भी प्रकार से जरूरत पड़ती ही नहीं है कि ये किसी प्रीपोजिशन को ले, ठीक है, पहली चीज। अब माउथ एक्टिविटी में एक वर्ड आता है से, से भी भैया मुंह से बोलने वाला, ठीक है। से, सेड, से का मतलब से, सेड, सेइंग सब बोल दिया हमने, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि से प्रीपोजिशन लेगा, ठीक है। जैसे आई सेड टू हिम, नरेशन पढ़ा है कि नहीं? आई सेड टू हिम बोला जाता है कि नहीं वहां पे ऐसा, ठीक है। तो अगर हम किसी को डायरेक्ट वे में बात कह रहे होते हैं तो वहां पे हम कॉमनली से का यूज करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब सेंटेंस ही डायरेक्ट है और वहां पे ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट लगा रहे हैं तो जाहिर है कि टू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि नरेशन में आपने पढ़ा होगा, रटा पढ़ा क्या रटा होगा, ये सेंटेंस आ गया शी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो वहां कभी ध्यान नहीं पड़ा आपके सर सेड के बाद टू क्यों आया है। और उसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाते थे तो टोल्ड लिख दिया तो टू गायब, आस्क लिखा तो टू गायब, रिक्वेस्टेड लिखा तो टू गायब, सिर्फ से के साथ ही टू आ रहा था। याद आया कि नहीं आया सर? ऐसे रिप्लाई के साथ भी आ जाएगा, रिप्लाई टू, रिप्लाई टू में, है ना। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी को आप समझ गए पुत्री, यही चीज है सर, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट वे सर, मैं भी पूछना चाहूंगा सर। बोलो 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 सर। आई लाइक टू ईट मैंगो बोलते हैं, यही गोज टू स्कूल, जो भी कंडीशन है। हाँ दोबारा फिर से, मैं सुना नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा एक बार और रिपीट। मैंने कहा सर कि अगर कहा जाए कि आई लाइक टू ईट मैंगो या फिर ही गोज टू स्कूल बोलता हूँ, तो सेम कंडीशन वही है। अच्छा, अब आपका सवाल क्या है कि यहाँ पे टू का ए आया है, मतलब यही पूछ रहे हो ना कि सर? हाँ सर। ये टू स्पेशल केस है थोड़ा सा, तो इसको टाइम लेकर के सिखाएंगे, डोंट वरी। आई लाइक टू ईट मैंगो, ये आराम से सीखेंगे, इसको टाइम लेकर। ओके सर, ठीक है सर, केस है, ठीक है। ये टारगेट के लिए किया जाता है नॉर्मली, एम हो, एट हो गया या टू हो गया सर। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई पुत्रों और पुत्रियों, जितना सिखाया अभी? चलो, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास दो वर्ड इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट मांगते हैं, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन। अगर एक पर को ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट ना भी मिले ना, तो ये सेंटेंस फिर भी चलो यार कोई बात नहीं, गरीब आदमी है ना। लेकिन प्रीपोजिशन को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए 1001%। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेंटेंस गलत है, और ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो आईएनजी आ रहा है ना, ये भी नाउन है, यानी कि जीरंड है, ठीक है। आगे बढ़ो, आज अब इसको देखिए जरा, लिखो good students like you and he should always come on time. Agla, one of my students ordered for a cup of coffee. Chal. Jaldi se chapai karo.
एक बात बताओ यार, तुम लोग क्या वीडियो को मैंने शेयर नहीं करते क्या यूट्यूब पे? पता तुम्हारे चक्कर में कितनी बेइज्जती होती है मेरी। बाकी टीचर्स कहते हैं कि सर आप बच्चे इतनी आपकी तारीफ करते हैं, उसके बावजूद भी आपके चैनल पे व्यूज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे गुरु जी होगा, सब होगा, सब होगा। कहते सर आप सर अब देखिए कैसे शेयर करते हैं सर, मुझे एक बच्चा अगर देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आप में से सभी एक एक सिंगल बच्चा ना कम से कम 5 ग्रुप में अपने उस लिंक को डाला करो और माँ कसम दिया करो कि बेटा तू दे पक्का ये दोस्ती टूटी आज से, लाइक पे भी ठींगा मार, राइट? ऐसे जबरदस्ती कर गया, दोस्ती बेहतर भी नहीं करवा सकते अपने दोस्तों से, है? अरे मैं कहता तुम लोग शेयर करना तो छोड़ो, तुम खुद भी नहीं देखते, मैं देखते भी हो तो उस पर लाइक नहीं करते। हाँ एक दो है जो डेली मतलब आते हैं क्लास में, जैसे अक्षय जी है ये डेली क्लास अटेंड करते हैं, और आयुषी है शायद ये भी डेली आती है यूट्यूब पे, डेजी अरे भाई साहब ये तो डेली हर क्लास अटेंड करती है, राइट? मैं भी करती हूँ सर डेली जी है, हाँ राखी ठाकुर भी, हाँ ये भी करती हैं, ठीक है, और बाकी सारे फर्जी आदमी सर। आपसे मैं भी देख लिया। आप किस नाम से आते हो, किस आईडी से? हम मेरे इस नाम से तो शायद मैंने सर मैं बलिया से हूँ। नहीं नहीं आप जब कमेंट करते हो किस आईडी से आप? नहीं सर मैं पहली बार फोन कर रहा हूं। अच्छा अच्छा चलो हो सकता है। आप सभी लोग सारे क्लासेस को अटेंड किया कीजिए, मतलब स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जरूर अटेंड किया कीजिए, जिससे कि टीचर का भी मनोबल बढ़े कि हाँ यार बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और इवन मैं भी आज मैं मुखर्जी नगर की तरफ गया। सर जानते हैं चलो कोई बात नहीं, देखो जब भी आप देखो ना आप दो चीज जरूर किया करो, पहला कमेंट किया करो चाहे बाद में देखो, कमेंट किया करो, और दूसरा लाइक किया करो बस, जिससे कि क्या होगा कि टीचर को मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, देखो बच्चों ने आपके बारे में कितना अच्छा अच्छा लिखा, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं आज मुखर्जी नगर गया था तो वहाँ पे कुछ टीचर से मिला, तो उन्होंने यही सवाल किया कि सर आपकी टीम अच्छी है, सारी चीज सही है, बच्चे आपको इतना सपोर्ट करते हैं, तो भी लाइक व्यूज वगैरह कम क्यों है? तो मैं क्या ही कहूँ उनको, मैंने कहा सर अब मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चों को जबरदस्ती तो बोलूंगा नहीं, अब वो आदत तो है नहीं हमारी, जय ये करो वो करो पढ़ाना है ढिकाना है, बस ये है कि भाई टीचर मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको इतना तो उनका हक बनता है भाई टीचर तो किसी का। तो कल से सबको बेटा हाँ सर जी अपने अपने फोन की कसम है बेटा तुम्हें करना, ठीक है सर? ऑफलाइन कब तक चालू हो रही कोचिंग बेटा? जुलाई 2022 सर सच्ची बता। अरे पुत्री अब हम भगवान तो है नहीं, आज मीटिंग हो रही थी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, चल चुपचाप आगे बढ़ो। हाँ पहले सेंटेंस को देखो, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ऑर्डर्ड ये हमारा वर्ब हो गया। अच्छा क्या ऑर्डर किया? अ कप ऑफ कॉफी, ये व्हाट का आंसर दे रहा है? तो देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, क्या प्रीपोजिशन की जरूरत थी? नहीं, समझे? अब ये ऐसी माइनर सी मिस्टेक है जो पता भी नहीं चलती है कि कब आ गई एग्जाम, समझे मेरी बात को? बोलो यस सर एक बार और प्लीज। देखो वन ऑफ माय स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ऑर्डर वर्ब है और ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है। मैं आप ही से एग्जांपल देता हूँ, मान लो मोनिका मेरे को आज सब पार्टी दूंगी आपको, ठीक है, मोनिका मेरे को ले गई होटल में और मोनिका ऑर्डर्ड वड़ा पाव और नहीं राजमा फलाने टिक्का ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, वह पैसा नहीं है कुछ लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो अब देखो इसने ये ऑर्डर किया कप ऑफ टी, तो देखो मोनिका सब्जेक्ट है ऑर्डर वर्ब, उसने क्या ऑर्डर किया? अ कप ऑफ टी, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, बोलो यस। अब ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, तो नो प्रीपोजिशन, हो गया सेंटेंस, समझे? बोलो यस। यस सर। मजा आ गो? ठीक ठाक, चलो यही तो ध्यान। yes,
अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड डी शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, इसका क्या आंसर हो सकता है जल्दी से बताओ। सर ये सेंटेंस सही लग रहा है सर, सेंटेंस करेक्ट है ये। क्या बात है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज कम टाइम, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता आपके आंसर में। सर गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज कम ऑन टाइम। अच्छा बाकी एनीबॉडी एल्स, किसी ने कुछ बोला था? आयुषी सर शुड और ऑलवेज में थोड़ा सा आई नहीं है सर, कौन था ये? सर मोनिका, बहुत प्यारी आवाज है मोनिका आपकी, आज तो वैक्सीनेशन कराने से बहुत हेडेक है वो। अच्छा दर्द भरी आवाज थी, मैं तारीफ कर रहा हूँ बताओ। हाँ जी देखो, गुड स्टूडेंट लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, कैसे किया जाएगा कान खोल के सुनिएगा जरा। दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स और दे लाइक माई स्टूडेंट्स, बताना बेटा दोनों लाइक को पढ़ के अलग है या एक ही है? अलग है सर, अलग है सर, अलग है सर। अलग लाइक है वो क्या मीनिंग दे रहा है? जैसे नीचे वाला ये वही डिपेंडेंट वाला है ना। देखो ये जो लाइक होता है ये इंग्लिश में दो दो काम करता है, एक होता है जैसे और एक होता है पसंद। ठीक है, अगर इसका मतलब आता है जैसे तो ये होता है बच्चा लिख लो प्रीपोजिशन, और अगर इसकी मीनिंग आती है पसंद करना तो ये होता है वर्ब, जल्दी से छापो। चलो जी लिख लिया लिख लिया लिख लिया ना सर, तो दे आर लाइक टू माय स्टूडेंट्स होगा। हां बता रहे बता रहे बता रहे, नहीं नहीं है दे आर लाइक, कमाल है यार, दे आर लाइक टू माय स्टूडेंट, जैसे वाली मीनिंग आ रही है, जैसे वाली मीनिंग आ रही है तो काहे लगा उसमें मेन वर्ब है ही नहीं, एज माय स्टूडेंट्स, वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? एज माय स्टूडेंट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तुम कंटेंट की क्लास में नहीं थे शायद, मैंने एज और लाइक का फर्क सिखाया था, कमाल है यार। चलो अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे अब आप देखो जब YouTube पे कोई वीडियो पसंद आती है तो हम उसको लाइक करते हैं, लेकिन अगर वो वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो क्या करते हैं, डिसलाइक या अनलाइक? डिसलाइक या अनलाइक? डिसलाइक। याद रखें कि इसका उल्टा होता है डिसलाइक, सॉरी इसका उल्टा होता है डिसलाइक और इसका उल्टा होता है अनलाइक। चलो याद रहेगा। चलो वेरी गुड, तो याद रखें ये डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चों के लिए खासकर, एग्जाम में ऐसा सेंटेंस हो जाता है अनलाइक सेंटेंस के बीच में लिखा होता है और अंडरलाइन करके पूछा होता है कि बताओ ये क्या है, नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन वर्ब कंजंक्शन ऐसे करते हैं। तो ध्यान रखें कि ये लाइक लाइक सेम सेम वर्ब है लेकिन इसका जब उल्टा करते हैं तो अलग अलग हो जाता है, अनलाइक और डिसलाइक। ठीक है क्लियर। अच्छा कोई वीडियो को आपने पसंद किया तो लाइक करते हो, नहीं पसंद आ रहा तो उल्टा वाला ठेंगा दबा देते हो तो डिसलाइक। अब सोचो अगर मान लो कि अब गर्वित था, ठीक है, इसने ढिंचक पूजा की कोई वीडियो देखी, इसको पहली नजर में पसंद आ गया, इसने लाइक पे क्लिक मार दिया, लेकिन उसने जो है गर्वित को गाने गाने में आ और भाग गया, ऐसे गर्वित बोल दिया, अब इसको पसंद नहीं आया, अब ये क्या करेगा? डिसलाइक। लाइक पे दोबारा क्लिक करेगा तो वो डिसलाइक मतलब हट जाएगा ना वो लाइक वाला ठेंगा इसका, अनलाइक। तो अब जब उसने लाइक वाले पे दोबारा क्लिक किया तो उसको क्या बोलेंगे? अब देखो डिसलाइक तो नहीं किया इसने, क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो है पहले लाइक कर दिया फिर लगा यार गलती से लाइक हो गया तो उस लाइक को हटा दिया आपने, डिसलाइक कर दिया होगा। डिसलाइक नहीं है बेटा, वो अनलाइक कह रहा है, याद रखना। डिसलाइक तो तब होगा जब आपने उल्टा वाले ठेंगे पे क्लिक किया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपने पहले लाइक पे क्लिक कर दिया
फिर आपको रियलाइज हुआ यार गलती से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको हटा दिया, लाइक को जो आपने किया था वो हटा दिया, तो वो समझ गए आप क्या होता है, वो अनलाइक होता है, याद रखना इस बात, क्लियर हुआ, बोलो यस, यस सर, मतलब उस टाइम पे आपने उसको लाइक किया और नहीं, यानी कि जब आपने लाइक को ठेंगे को वापस ले लिया, इसका मतलब ना ही वो वीडियो आप उसे लाइक है और ना ही वो डिसलाइक, ठीक है सर, डिंचक पूजा वाला एग्जांपल बढ़िया होता है, अरे तुम्हारे ये जबरा फैन है डिंचक पूजा का यार, ये मेरे से ऑफलाइन में पढ़ता था लौंडा, उस टाइम में उसकी गाना आया था सेल्फी सेल्फी समथिंग करके, भाई सब ये जानती नहीं है उसे। तुम बेटा पोगो ही देखो, तुम्हारे लिए पोगो ही सही है, ये 2005 के बाद जो पैदा होते हैं ना उनको ये चीजें पता ही नहीं आती, ये करंट अफेयर नहीं पड़ रहा, सेल्फी मैंने ले ली है वो वाला, ये समझदार नहीं है, चलो सर भी इतनी बेइज्जती बता दो, तुम बेटा यूट्यूब पे डाल देना डिंचक पूजा, बेटा अगर तुमने अपने कान में सरसों का तेल ना डाला, गाने आएंगे मजे आ, चलो अब चलो चलो ये क्वेश्चन को खत्म करते हैं, सुनो ध्यान से, अब गुड स्टूडेंट लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, अब गुड स्टूडेंट लाइक, अब ये जो लाइक लिखा है ये प्रीपोजिशन है या वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कि तुम्हारे और उसके जैसे अच्छे बच्चों को टाइम पे आना चाहिए, ये मीनिंग है, तो यहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव, यू का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, गलती इसकी है, हो गया सेंटेंस, आ चुका है पुत्रो ये पेपर में, जल्दी से टिक कर लियो इम्पोर्टेंट करके, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड हिम शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, चलो तो बस इतना ही था जो था आज की क्लास में, मजा आया, सीखे कुछ नया आज, बहुत मजा आया सर, चलो बढ़िया, वैसे तो हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिलता ही है कि नहीं है, तो बेटा एक बात और, ये बैच रिलॉन्च होगा तो आप में से कोई भी प्राणी जिसके कोई छोटा भाई बहन बंधु चाचा ताऊ का बेटा या ननद फूफी फुफेरी कोई भी अगर सीखना चाहता हो तो नए सिरे से वो स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, टेंस वॉइस नरेशन इस तरीके से, तो उसको जरूर ज्वाइन करवा देना, और दूसरी बात अकेडमिक के बच्चे भी अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले उनका एक डेमो होगा, अकेडमिक वाले बच्चों को अगर जैसे मान लो अगर वो रिधिमा टाइप है कि हाँ थोड़ा सेंसिबल है मैच्योर टाइप है पढ़ने वाली है तो उसको अलाउ करूंगा, लेकिन अगर ऐसा है ना गुरु जी फिर से बता दो सर जी मैं नहीं कर ऐसे टाइप के बच्चों को भाई मुझे मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, तो भैया अगर कोई ऐसा हो समझदार टाइप का तो उसको जरूर ज्वाइन कराए ताकि उसकी नींव अच्छी हो जाए, यानी कि अब अगर स्कूल लेवल में ये अच्छी इंग्लिश सीख लेंगे ना तो आने वाले टाइम में उनको दिक्कत नहीं आएगी, समझे मेरी बात को, इसलिए अब मैंने ये चीज सोची हुई है कि स्कूल अकेडमिक लेवल को भी मैं ये ज्ञान जरूर दूंगा ताकि हमारा एक अच्छा भविष्य बन सके बच्चों का आने वाले टाइम में, है कि नहीं है, जरूरी नहीं है, पहले मैं अकेडमिक के बच्चों को दूर ही रखता है आगे परेशान करते हैं, तो मैंने सोचा कि कई ऐसे बच्चे भी हैं जो परेशान नहीं करते हैं, जैसे ये कहाँ गए रिधिमा को मैंने जब एडमिशन लिया था तो थोड़ा मैं डर रहा था पता नहीं कैसी होगी क्या है क्या नहीं है, लेकिन ठीक है मैच्योर है ठीक है पढ़ने वाली बच्ची है, ये हो गया, एक और था लक्ष्य नाम का एक प्राणी है, लक्ष्य पता नहीं अभी चला गया लग रहा है, ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे बच्चे हों अगर कोई आपकी नजर में तो ज्वाइन कराना, नहीं तो कोई बात, ठीक है, चलो बेटा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद, मैं भी हूँ सर, अच्छा है बेटा तुम अटल नहीं हो गया, चलो बाय।